जी नमस्ते प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे जितने भी मीडिया कर्मी जी है, जितने हमारे चैनल है, सारे दर्शकों को जो भी देखेंगे सबको प्रणाम, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को प्रणाम, पूरा हिंदुस्तान को प्रणाम। आज हम लोग शूट कर रहे हैं मुंबई में हमारे बहुत ही एक बड़ी फिल्म, बहुत ही बेहतरीन फिल्म ओमकारा का गाना शूट कर रहे हैं जी। इस गाने में आपके साथ कौन नजर आने वाले हैं? हाँ, इस गाने में हमारे साथ है रितु सिंह जी हैं, जिनके साथ एक गाना है, और एक रूपा सिंह जी है। दो गाना हम लोग शूट कर रहे हैं, तो एक में रितु सिंह जी है, एक में रूपा सिंह जी है। तो इस फिल्म के बारे में क्या, किस तरह से फिल्म बन रही है, किस जॉनर की फिल्म होगी? जी, इसके पहले मैंने किया था नरसिम्हा, जो कि फुल एक्शन फिल्म थी, बहुत ही बेहतरीन बनी है। उससे भी बड़ी बनने जा रही है ओमकारा। सारे हमारे टेक्नीशियन, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर सब लोग जी जान लगा के इस फिल्म को बड़ी और अच्छी बनाने में लगे। क्या किरदार? ओमकारा में एक सीधा साधा लड़का रहता है ओम। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसी घटना होती है जिससे कि ओम से ओमकारा बनता है। सर जी, इस हिसाब से मतलब अभी तक आपकी मूवी हो चुकी है, तो आपका आगे का मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट है आपके? जी, प्रोजेक्ट कौन कौन से? हाँ, अभी तो रिलीज होने वाली जो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है 2020 में, वो है अपना नरसिम्हा है, रामकृष्ण बजरंगी है, विदाई 2 है, ओमकारा भी ऑलमोस्ट 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ये है नेक्स्ट फिल्म में कर रहा हूँ द ग्रेट भैया जी, वास्तव क्रोधी, जो कि अपकमिंग फिल्म है मेरी। अच्छा सर, जो इसके पहले जो आपकी इसके पहले जो रिलीज होने वाली ओमकारा के पहले, तो उसके कब तक रिलीज हो जाएगी? अभी 10 अप्रैल को डेट फाइनल हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिल्म है मेरी नरसिम्हा। 10 अप्रैल को ऑल इंडिया रिलीज करने का डेट चल रहा है। सर, उसमें कैसा रोल है आपका, क्या करने वाले हैं आप, उसमें क्या नया है? नरसिम्हा में जो है फुल एक्शन मूवी है, एक अलग कैरेक्टर है, एक मैंने उसका गेटअप बहुत बेहतरीन मैंने लिया है, हर चीज कमर्शियल फिल्म है। एक फैमिली के साथ देख सकते हैं ऐसी मूवी है? बिल्कुल, मेरी सारी फिल्में सबसे पहले रिलीज होती है तो मैं अपने घर जाता हूँ, अपने माँ बाप बहन भाभी सारे परिवार के साथ हम बैठ के देखते हैं। सारी मेरी फिल्में साफ सुथरी होती है, किसी भी फिल्म में बलगट्टी नहीं होती है, बलगट्टी के हम हमेशा खिलाफ रहते हैं फिल्मों के। लोकेशन क्या क्या है, शूटिंग की गई है? नरसिम्हा का लोकेशन है जो 35 दिन हम लोग शूट किए थे, लखनऊ में किए थे, उसके बाद से मुंबई में किए, नैनीताल में किए थे, 3-4 जगह पे शूट। और सर, जो ओमकारा उसकी लोकेशन कहाँ है? जी, ओमकारा का अभी शुरुआत हम लोग मुंबई से किए हैं, जो कि 2-3 दिन का यहाँ शूटिंग है, उसके बाद से हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। प्रिंस भाई, ओमकारा की बात करें तो ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि ओम से आपको ओमकारा बनना पड़ा, क्या क्या वजह है? ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि जो कोई सीधा साधा इंसान कुछ मजबूरी हो जाता है कि जो वो अपना कुछ होता है, ऐसी घटना ओमकारा में भी ऐसे घटना है कि जो मैंने फिल्मी तौर पे है कि ओम से ओमकारा बनते हैं, कुछ ऐसा है सिचुएशन, मैं अभी नहीं बता सकता। ओमकारा के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एक अपनी इंडस्ट्री के टॉप की अभिनेत्री रह चुकी शिखा मिश्रा जी, जो कि अब फिल्म लाइन में प्रोड्यूस करने जा रही है भोजपुरी में, तो हमारे भोजपुरी समाज के, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है कि एक लेडीज शो के एक हिम्मत जुटाया उन्होंने, एक फिल्म बना रही है, वो भी फिल्म बना रही है इतनी अच्छी और इतनी बड़ी फिल्म बना रही है, उसको मैं उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ। इसमें डायरेक्टर की बात की जाए? जी, डायरेक्टर तो हमारे फेवरेट डायरेक्टर सुजीत कुमार जी हैं, जो कि मेरा एक मैंने उनके साथ काम करने के लिए मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं सुजीत जी के साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, फिर तीसरी फिल्म कर रहा हूँ, चौथी फिल्म कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, मेरा ठंडी का समय था जनवरी में रिलीज हुई थी, फिर भी फिल्म का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं थिएटर में जाता था, थिएटर मालिक से लेके जो फिल्म बाबू होते हैं, हमारे जो पब्लिक है, वो फिल्म की बहुत तारीफ की, चलना ना चलना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन रिस्पांस अच्छा रहा। फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे? मिशन पाकिस्तान तो रिलीज हो चुकी है, उसको तो सारे दर्शक देख चुके हैं, आप लोग भी देख ही लिए होंगे, इसके बारे में अब नेक्स्ट फिल्म के बारे में पूछिए, मैं बताऊंगा। खबर ऐसी थी कि मिशन पाकिस्तान में 60 गाड़ियों का काफिला आपका यूपी बिहार में चलता था। नहीं, काफिला नहीं चलता था, वो दर्शक का हमारा प्यार था, जहाँ जाता था वहाँ पे सारे हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो दर्शक है वो आते थे। मैं मना भी करता था कि भैया इतनी क्या, तो बोला कि नहीं भैया, हम लोग सपोर्ट में, हमारे बिहार की सारी ऑडियंस सपोर्ट में थी, वो लोग हमारे प्यार दुलार देते थे और साथ दिया उन्होंने, और फिल्म को ग्राफ ऊपर ले गए थे। अच्छा,
आज शिखा मिश्रा जी का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके को स्टार भी हैं और सर भी हैं जी। सबसे पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे शिखा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आए बहुत बड़ी बात है कि आज उनकी जन्मदिन है और आज हम लोग दो गाने शूट यहाँ पे किए और बेहतरीन तरह से शूट हुआ। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बर्थडे गिफ्ट क्या दिया उनको आपने? वो सरप्राइज है, बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज है, अभी देना है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.